नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश वही है, लेकिन नेतृत्व बदलने से देश के हर नागरिक के मन में नया विश्वास पैदा हुआ है। राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सीएम योगी ने कहा, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के योजनाओं को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए और हम राज्य में यही कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, देश वही है, नेतृत्व बदलने से देश के हर नागरिक के मन में कैसे नया विश्वास जागृत होता है और सरकार कैसे संवेदनशील होकर बिना भेदभाव के योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाने का काम करती है, यह आज हमें दिख रहा है। अलग अलग क्षेत्र में हर एक व्यक्ति की अपनी भूमिका है। मीडिया के क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, हर एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आजादी के इस अमृत काल को अपने जीवन का ध्येय बना करके कि हमें एक सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण करना है जो दुनिया को नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे, भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं इस प्रकार का भारत का निर्माण न हो सकता हो। अवश्य हो सकता हो, हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 8 वर्षों के अंदर अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने व्यक्तित्व और अपने विजनरी नेतृत्व के माध्यम से वह करके दिखाया है। हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़कर के कार्य करना होगा। यही अमृत काल का हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राजधानी में गोमती नगर स्थित नोवोटेल होटल में देहाती डिस्को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म 27 मई 2022 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। देहाती डिस्को के डायरेक्टर मनीष शर्मा हैं और इस फिल्म में लीड रोल में कोरियोग्राफर आचार्य गणेश और रवि किशन हैं। आचार्य गणेश इसमें पिता का रोल अदा कर रहे हैं, तो वहीं डांसर सक्षम ने बेटे का रोल निभाया है। इस फिल्म में गांवों के जीवन को दर्शाया गया है, तो वहीं इसके दिलचस्प टाइटल को देखते हुए आचार्य गणेश ने बताया कि देहाती शब्द इसलिए रखा गया है क्योंकि इंग्लिश वाले लोग जरा जरा सी बात पर देहाती शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमें हमारे भारत की संस्कृति से बहुत प्यार है, इस फिल्म को देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। लखनऊ के चारबाग स्थित रेलवे यार्ड में 2 यात्री ट्रेनें आपस में भिड़ गईं। यात्री ट्रेनों के भिड़ने से कई यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंचते ही एनडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया है और फंसे हुए यात्रियों को बोगी काटकर बाहर निकाला गया। कुछ ही समय में राहत बचाव ट्रेन भी मौके पर पहुंची है। उसके बाद कुछ ही घंटे में रेलवे ट्रैक को भी साफ करवा दिया गया, संचालन शुरू हो गया। आपको बता दें कि खास बात यह रही कि ये कोई रेलवे हादसा तो नहीं था, लेकिन मॉक ड्रिल से रेलवे और एनडीआरएफ ने अपनी तैयारियों की समीक्षा जरूर की। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के साथ में रेलवे के कई सुरक्षा इकाइयां शामिल हुई थी, जिसमें मेडिकल और राहत बचाव कार्य सबसे ज्यादा जरूरी था। लखनऊ में एक ट्रेन हादसे में कई लोगों की जान जाने की खबर है और ये रेलवे हादसा इस समय चारबाग पे हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेस्क्यू टीमें जो है एनडीआरएफ के साथ मिलकर काम कर रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें एक मॉक ड्रिल की हैं, जहां पर आज एनडीआरएफ के साथ सभी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और ये 3 बोगियां यहाँ पर पलटी हैं, इसको लेकर रेस्क्यू चल रहा है। और फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कई लोग इसमें घायल दिखाए गए हैं, जिनको फिलहाल निकाला जा रहा है इस ट्रेन हादसे से। जो शिकार हुए हैं उनको लेकर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा कई तरह की टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं जो कोशिश कर रही हैं सभी लोगों की जान बचाने के लिए। तो इस तरह के हादसे जब कभी भी होते हैं तो देखा जाता है कि आपाधापी में लोग जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो लोगों की जान बचाने का जो क्रम चलता है उसमें दिक्कत आती है। तो फिलहाल इसी सब चीजों को लेकर आज एनडीआरएफ ने ये मॉक ड्रिल की है और रेलवे का एक बड़ा हादसा दिखाया है, जिसमें आप देखेंगे कि कई बोगियां एक के ऊपर एक हो गई हैं, चढ़ गई हैं, कुछ बोगियां पलट गई हैं और ये यात्रियों की सवारियों की गाड़ी है जो पलटी है और इसमें कई जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। एनडीआरएफ की टीम बोगियों को काट रही है और वहां से काट कर लोगों को निकाल रही है। कई जो घायल लोग हैं उनको ले जाकर अस्पताल की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है।
भीड़ को दूर करने के लिए यहाँ पर जो सिपाही हैं वो लगे हुए हैं ताकि भीड़ का हिस्सा ना बन पाए और इसकी वजह से यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है उसमें दिक्कत ना हो। तो अब आप देख रहे हैं, देखिए कैसे इस बोगी को काटा जा रहा है और इसको काटने के बाद जो इसमें लोग फंसे हैं उनको निकालने की कवायद शुरू होगी। तो फिलहाल ये सभी जो तैयारियां हैं वो इसलिए की जा रही हैं कि कभी भी इस तरह के हादसे हों तो उनसे बचा जा सके और जो मैक्सिमम लोग हैं उनकी जानें बचाई जा सके। इसके लिए इस तरह की मॉकड्रिल का आह्वान एनडीआरएफ और रेलवे की तरफ से किया गया था। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जो चौंकाने वाली जरूर हैं, ये वही लोग हैं जो कभी कभी जब हादसे का शिकार होते हैं। फिलहाल बचाव और राहत का कार्य इस मॉकड्रिल में नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर गदोई, जनता टीवी लखनऊ। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। मथुरा सिविल कोर्ट ने टाइटल सूट पर परमिशन दे दी है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि जमीनी विवाद पर याचिका स्वीकार कर ली गई, अब निचली अदालत में यह केस चलेगा। इसके अलावा याचिका में 1968 के जमीनी समझौते को रद्द करने की मांग भी की गई है। मथुरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजीव भारती ने यह फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, जो कि खुद के कृष्ण भक्त होने का दावा करती हैं, समेत 6 वादी हैं। यह अपील साल 2020 में दायर की गई थी, जिसमें शाही ईदगाह की जमीन पर मालिकाना हक मिलने का दावा किया गया था। एक प्राथमिकता ऐसा शक दिया गया था कि विशेषज्ञ संख्या जो विशेषज्ञ संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इससे रिपोर्ट मिल जाए, इनको मौके पर भेजा जाए जिससे ये पता लग सके इसमें पत्थर अवशेष। यूपी के ललितपुर में थाना पाली क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एसआईटी टीम ने लाइन हाजिर चल रहे सिपाही समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके पॉस्को न्यायालय में पेश किया है और सिपाही सहित अन्य तीनों पर आरोपी थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज को भागने में सहयोग करने का मामला भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि चारों आरोपियों को एसआईटी ने जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण और कोरोना जांच कराने के बाद पॉक्सो अदालत में पेश किया। तो वहीं अब गैंगरेप के मामले में आरोपियों की संख्या 6 से बढ़कर 12 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करी है। आपको बता दें कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज अपने दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर सबसे पहले बाबा गुरु गोरखनाथ का दर्शन किया, उसके बाद गौशाला पहुंचे जहां पर उन्होंने गायों की सेवा भी की है और गायों को सेवा करते हुए पत्ते और गुड़ खिलाया। यूपी के जनपद कानपुर देहात में भोगनीपुर के दौलतपुर घाट पर 2 खनन पट्टे चल रहे हैं, जहां पर एनजीटी और योगी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर खनन माफिया नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। बीज धारा को रोककर पोकलैंड मशीनों से खनन करने में लगे हुए हैं। जिले के खनन अधिकारी और प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। तो अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने खनन अधिकारी और जिला प्रशासन की मिली भगत से खनन माफियाओं के द्वारा खनन करवाए जाने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से करते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बात कही। जिले के अधिकारियों की मिली भगत से खनन माफिया सत्ता का रौब दिखाकर अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। इस पर कार्रवाई जिन्हें करनी चाहिए थी उनकी ओर से संज्ञान न लेने पर राज्य मंत्री ने इसकी शिकायत खुद मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। पर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अभी मुझे जानकारी मिली है कि हमारे क्षेत्र कानपुर देहात में अवैध खनन बहुत तेजी से किया जा रहा है, जिसमें अजय यादव जो यहाँ के खनन अधिकारी और प्रशासन की मिली भगत से ये कार्य हो रहा है। साथ ही साथ जमुना पट्टी में बालू का इतना ज्यादा खनन हो रहा है कि नदी का बहाव ही चेंज हो गया है, जो कि पूर्णतया से हम ये कहेंगे कि ये गलत है। दौलतपुर इतना ज्यादा खनन कर दिया गया है और इसकी जानकारी मुझे मुख्यमंत्री तक पहुंचानी है, क्योंकि इस तरह से ये बिल्कुल गलत है और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाकर इसके खिलाफ कार्रवाई करना। बदायूं पुलिस अधीक्षक कार्यालय गेट पर आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसान किशन पाल के इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने से पहले किशन की ओर से लिखाए गए मुकदमे में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया।
जबकि बरेली रेंज के आईजी रमेश शर्मा ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। आपको बता दें कि दबंगों की ओर से खेत में आग लगाने के मामले में किसान किशन पाल पुलिस के चक्कर लगा रहा था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि पुलिस उसकी मदद करने के बजाय परेशान कर रही है और उसकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। आज दिनांक 18/5/2022 को पुलिस ऑफिस परिसर के गेट पर आत्मदाह का प्रयास किया गया। ये मामला मेरे संज्ञान में आने पर मेरे द्वारा एक एसआईटी का गठन एसपी सिटी बरेली जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम गठित करके किया गया है। इस प्रकरण में जो पूर्व में दर्ज मुकदमे हैं इनकी विवेचना इस एसआईटी टीम के द्वारा की जाएगी। आज के प्रकरण में एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, सो की बड़ी खबर, बाराबंकी से आरोपियों को पकड़ने गई टीम पर पथराव हुआ है। गांव के लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने की थी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। ग्रामीणों के पथराव का फायदा उठाकर अपराधी मौके से भाग निकले हैं। हमले के बाद जान बचाकर गांव से पुलिस टीम निकली। 6 नामजद और 12 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जैतपुर कोतवाली अहमदपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। देहरादून के लिए ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दुखद खबर है। हरिद्वार से मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच में ब्लॉक के चलते देहरादून की ट्रेनें गुरुवार के दिन कैंसिल की जा रही हैं। वहीं ट्रेनों के कैंसिल होने के बाद इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर अभी काम किया जा रहा है, इसके चलते ये फैसला लिया गया है कि 19 मई को देहरादून से जाने वाली लिंक एक्सप्रेस 3:40 पर रवाना की जाएगी। इसी तरीके से आपको बता दें कि अगर आपको आप भी 20 मई को इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा से पहले भारतीय रेलवे की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर ट्रेन का स्टेटस आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि 19 और 20 मई को ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। नैनीताल जिले में आंधी तूफान से हुए नुकसान को लेकर उद्यान और राजस्व विभाग की टीम आज से सर्वे शुरू कर रही है। जिलाधिकारी नैनीताल के मुताबिक जिले के जिन इलाकों में अभी बिजली आपूर्ति बाधित है वहां पावर कॉरपोरेशन का काम लगातार जारी है। हालांकि काफी जगहों में बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। सबसे ज्यादा नुकसान नैनीताल जिले के काला ढूंगी और रामनगर क्षेत्र में हुआ है, जिसका आकलन आज से शुरू होगा और अगले 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट जिलाधिकारी नैनीताल को मिल जाएगी। इसमें ज्यादातर नुकसान कालाडूंगी क्षेत्र में हुआ है। आपने देखा होगा कि काफ़ी पेड़ गिर गए थे और किस व्यक्ति की जान भी गई है इसमें। और आज हमारी रेवेन्यू की टीम, कृषि विभाग की टीम और हॉर्टिकल्चर की टीम उसके असेसमेंट के लिए यहाँ पर गई हुई। और वैसे ही रामनगर एरिया में, रामगढ़ वाले एरिया में और रामनगर एरिया में जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है सारे कर्मचारी हमारे फील्ड में जा रहे हैं और एक असेसमेंट करके वो 1-2 दिन तक हमें पूरी रिपोर्ट दे देंगे कि कितना नुकसान फसलों में हुआ है और खेती में हुआ है। हरिद्वार जनपद के मंगलौर, रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों को लेकर डीएम हरिद्वार ने सख्ती दिखाई है। डीएम विनय शंकर पांडे का कहना है कि हरिद्वार जनपद में अभी सभी जगह सर्वे का काम किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 1 महीने के अंदर 17 कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई है। डीएम ने कहा सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि 30 मई तक एसडीएम अवैध कब्जे चिन्हित करेंगे, जिसमें एक एक करके सभी कब्जे चिन्हित कराए जाएंगे। जनपद हरिद्वार में इस समय एक सर्वे का काम चल रहा है और हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 1 महीने के अंदर 17 अवैध कॉलोनियां सील हुई हैं, ये अब तक का रिकॉर्ड है। वो भी होगा, देखिए ऐसा है कि एक स्टाफ लिमिटेड है, एक साथ सारी जगह छापेमारी वाली कार्रवाई नहीं करनी है, परमानेंट सोल्यूशन करना है। सभी एसडीएम्स को 30 मई तक का समय दिया गया है, सब अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि कहां कहां अवैध कब्जे हैं, एक एक करके सारे कब्जे चिन्हित होंगे और चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो, कितना भी मजबूत हो, कार्रवाई सबके खिलाफ बहुत ही सख्त होने वाली है और होगी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने
पुलिस और प्रशासन के साथ आज हल्द्वानी शहर के स्पा सेंटरों में छापेमार कार्रवाई करी। इस दौरान स्पा सेंटर में भगदड़ सी मच गई। छापे के दौरान स्पा सेंटरों में काफी अनियमितताएं भी देखने को मिली हैं। टीम के पहुंचते ही काफी युवतियां मौके से रफूचक्कर हो गई। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के निर्देश पर दो स्पा सेंटरों का चालान भी किया गया है। कुसुम कंडवाल ने कहा कि अब सरकार नई पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसकी गाइडलाइन उनकी तरफ से सरकार को भेजी जा चुकी है। वहीं उनका कहना है कि आगे इसी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आज हमने दो स्पा सेंटरों में छापा मारा है। जैसे कि हमें सूचना मिली थी कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है, तो जो पहला स्पा सेंटर है उसमें हमें लड़कियाँ मिली, और लड़कियाँ अगर पुरुषों के मसाज कर रही है तो वो क्या इंगित करता है, और सबसे बड़ी बात है कि पीछे खंडर में लड़कियाँ क्या कर रही हैं बैठ के, उसमें जो पीछे वाला हिस्सा है खंडर उसमें क्या कर रहा है, पीछे से दरवाजा है, दरवाजा खोल के कौन कहाँ भागा है। तो ये मुझे लग रहा आज तो हमने चेतावनी के लिए उनका चालान कटवाया है। मसूरी में पर्यटन सीजन अपने चरम पर है, ऐसे में अव्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल ने पर्यटन से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की और सभी विभागों को निर्देशित भी किया। पेयजल निगम ने समस्त मसूरी में पानी की नई पाइपलाइन डालने के कार्य में बरती जा रही लापरवाही और अनियमितता पर नाराजगी जाहिर की है, साथ ही जल्द से जल्द मार्गों की मरम्मत किए जाने के लिए कहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बाद पांचवें धाम के तौर पर विश्व विख्यात श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी विधिवत तौर पर शुरू हो गई है। ऋषिकेश में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा परिसर में दरबार साहिब के सामने मत्था टेकते हुए अरदास की। श्री हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा के निर्विघ्न रूप से चलने के लिए प्रार्थना की गई। मौके पर गुरुद्वारा परिसर की ओर से दोनों अतिथियों का पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत हुआ है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि चारधाम और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा और व्यवस्था का सरकार पूरा ख्याल रखेगी। बहुत ही बड़ा दिन है आज, ऋषिकेश से गुरुद्वारा साहब से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो पहला जत्था है वो हेमकुंड साहब जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है कि पहले यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए अभी चारधाम की यात्रा चल रही है, ये प्रभु का, शिव जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और आज से जो यात्री चलेंगे ये 22 तारीख से हेमकुंड साहब में जाएंगे, और हेमकुंड साहब का जो तप भूमि है, तपस्या का जो चिन्ह है, वहाँ से जो आस्था आती है वो पूरे देश के लिए बहुत अलग है। शुभ दिन है, आज से यात्रा हेमकुंड साहब के लिए प्रारंभ हो रही है और उस जत्थे को हम लोग यहाँ पर रवाना भी कर रहे हैं, और आज बड़ा शुभ दिन है। और मैं सभी से कहूँगा कि अभी तो यात्री लोग जा रहे हैं, जो स्वस्थ हैं उन्हीं को यात्रा में जाना है, और सबसे अनुरोध भी हमने किया है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आगे निकट भविष्य में वहाँ के लिए रोपवे की जो घोषणा की है, जल्दी से जल्दी वो काम होगा। अभी लोग वहाँ पर अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा बाय रोड हो रही है, सड़क से हो रही है, पैदल हो रही है, आने वाले समय में ये यात्रा जो है रोपवे के माध्यम से भी हो पाएगी। सभी अपने खुले दिल से खुले हाथ खोल के आपके वेलकम के लिए खड़े हैं, लेकिन आपसे भी निवेदन है कि जब आप आएँ तो जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करो, आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आपके हित में है, कोई उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अगर किसी दिन स्लॉट में आपको जगह नहीं मिलती है तो दो दिन का कार्यक्रम डिले कर लो, और यहाँ पर आओ तो पर्यावरण का खास तौर पर ध्यान रखें, प्लास्टिक मत यूज़ करें, यूज़ करोगे तो उसको डस्टबिन में फेंको, और ध्यान रहे कि आप देवभूमि में। ये बहुत अच्छी बात जाते जाते जो थे उन्होंने बोली है साफ तौर पर कि ये ध्यान रहे कि आप देवभूमि में हैं, और अगर आप जा रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य की जांच कराइए, और साथ में प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जिस मंदिर के दीदार के लिए आप वहां पहुंच रहे हैं, जिस देव स्थान पर मत्था टेकने पहुंच रहे हैं, जहां अरदास करने पहुंच रहे हैं, उसकी शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है, ताकि आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उसके दर्शन पूजन कर सकें। बस छोटा सा ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।